आप सबको सहयोग करना है, आपके सहयोग के साथ ही ये बीमारी दूर होगी। अमीरी गरीबी का भेदभाव उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आप इस बीमारी को धीरे धीरे दूर कर देंगे मेरे दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी समिति जो है वो तीन मुद्दे लेके चली थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारा सबसे पहला मुद्दा था शिक्षित बनो। शिक्षित हमारे बच्चे जब ही बनेंगे जब हम अपने इन बुराइयों को छोड़कर, इस पैसे को बर्बादी से बचाकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे लगाएंगे, तो कोई बच्चा हमारा आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो हमारे बच्चे जब ही पढ़ेंगे, जब हम इन पैसों को बचाकर, बुराई से बचाकर अच्छाई में लगाएंगे, आपका सीन और गर्व से चौड़ा होगा, क्योंकि मेरा बच्चा आईएएस की कुर्सी पे बैठा है, मेरा बच्चा डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा है, मेरा बच्चा इंजीनियर की कुर्सी पे बैठा है। उसके बाद हम लेके चले संगठित हो। संगठित मुझे दिख रहे हैं, मैं एक शेर कहना चाहता था, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो मेरे दोस्तों, मुझे लग रहा है मेरा समाज जागरूक हो रहा है, लेकिन हर समाज धीरे धीरे जागरूक होता है, एकदम कोई समाज जागरूक ही नहीं। और संघर्ष की बात रही, संघर्ष आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि जो बुराई की जड़ है उसे हमें 26 तारीख को ख़त्म करना होगा और अपने समाज का एक इतिहास लिखना होगा। जो समाज अपना इतिहास नहीं लिखता उसका इतिहास अल्लाह ताला भी नहीं लिखता मेरे दोस्तों। तुम्हें अपना इतिहास खुद लिखना होगा, अपनी बातों को और बुराइयों को ख़त्म खुद करना होगा मेरे दोस्तों। हम में से कोई आपकी बुराइयों को दूर नहीं करेगा। अगर मैंने सोच लिया मुझे अपनी बुराई दूर करनी है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी बुराई को दूर करूंगा। अगर आप सब लोग अच्छाई की तरफ चलेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी बीमारी सहज सहज ख़त्म हो जाएंगी मेरे दोस्तों। धीरे धीरे बीमारी को ख़त्म करो, एकदम से कोई बीमारी नहीं ख़त्म होती। महापंचायत में जो भी हमारे बुजुर्ग जो भी फैसला होंगे लेंगे, वो हमें सबको ना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा हाफिज़।